तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में हम बात करेंगे बीमे विश्लेषण के अनुप्रयोग। ठीक है, बीमे विश्लेषण का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उसके अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, तो बीमे विश्लेषण के तीन अनुप्रयोग होते हैं। ठीक है, तीन अलग अलग जगह जो है बीमे विश्लेषण का उपयोग करते हैं। एक तो पहला होता है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करना। ठीक है, अगर आपके पास कोई वैल्यूज दे रखा है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे रखा है, उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उस केस में हम बीमे विश्लेषण का उपयोग। ठीक है, एक मात्रा के पद्धति से दूसरे मात्रा के पद्धति में अगर किसी भौतिक राशि को कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम बीमे विश्लेषण का उपयोग करते। दूसरा कहाँ पे करते हैं बीमे विश्लेषण का उपयोग? दूसरा हम बीमे विश्लेषण का उपयोग करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एक फिजिकल इक्वेशंस दे रखा है, कोई भी एक फॉर्मूला दे रखा है फिजिक्स का, तो उस फॉर्मूले को बीमे विश्लेषण की हेल्प से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो इक्वेशंस राइट है या रॉन्ग। ठीक है, ये दूसरा एप्लीकेशन होता है। तीसरा एप्लीकेशन, अगर हमारे पास बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज दे रखे होते हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूले को ड्राइव किया जाना है, तो उस पर हम उसका उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। केवल इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक, बीमाओं के उपयोग, बीमाओं के उपयोग। ठीक है, बीमाओं के, देखो सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे बीमाओं के उपयोग में सबसे पहला आता है एक पद्धति के मात्रकों से एक पद्धति के मात्रकों, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। पद्धति के मात्रकों में बदलना, ठीक है, दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदल। ठीक है, देखो अगर हमारे पास एक सिस्टम दे रखा है, लेट्स से सीजीएस दे रखा है, सीजीएस सिस्टम को आपको एमकेएस में बदलना है। ठीक है, सीजीएस को किस में बदलना है, एमकेएस में, या एमकेएस में दे रखा है उसको आपको सीजीएस में बदलना है। तो आप यहां पे एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस से एमकेएस में आप इसको क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है एमकेएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, तो इस पे हमने एक ऑलरेडी पूरा वीडियोस बना रखा है बेटा, जो जिसपे हमने केवल मात्रकों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट को विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एमकेएस, एमकेएस टू सीजीएस या सीजीएस टू एमकेएस में बदलना है। अच्छा, इसके लिए सिद्धांत क्या है, कौन से लॉ यहाँ पे उपयोग होंगे? तो हमने देखो एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट सेशंस के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, ये वाला टॉपिक था शायद, एक मिनट, नहीं, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, ये टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था क्या, मूल भौतिक राशि, नहीं रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट, हमने डिस्कस किया था। हाँ, ये देखो, ये डिस्कस किया था हमने अगर आपको याद है, ठीक है, कि n जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है, या u जो यूनिट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो हमने कहा था कि n1 u1, n2 u2, n3 u3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें से क्या रहेगा बेटा, फर्स्ट n इंटू यू इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज नियर। तो इसी प्रिंसिपल का हमें क्या करना है बेटा, इसमें यूज करना है, तभी मैंने कहा था इस इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करना। ठीक है, जिन बच्चों ने अच्छे से कवर किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनको समझ पाए। ठीक है, तो इसका सिद्धांत क्या है, सिद्धांत यहाँ पे अगर हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान, आंकिक मान तथा मात्रक का गुणनफल का
गुणनफल सदैव नियत रहता है। क्या रहता है भाई? नियत रहता है। ओहो, तो ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर वर्क करें, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान तथा उनके मात्रकों का जो गुणनफल है वो सदैव क्या रहता है बेटा? वो नियत रहता है, वो कॉन्स्टेंट रहता है। इसका मतलब एन इंटू यू इज इक्वल टू वॉट? दैट इज नियत, कॉन्स्टेंट। एन इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओहो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, लेट्स से अगर एन एक सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एन वन मात्रक यू वन है, दूसरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू और सिस्टम कितना बेटा? एन टू। न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू और मात्रक यू टू है। माना माना प्रथम पद्धति में देखो आंकिक मान कितना है भाई? आंकिक मान मान लो एन वन और मात्रक क्या है भाई? यू वन। आंकिक मान एन वन, मात्रक कितना है बेटा? यू वन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरी पद्धति में, दूसरी पद्धति में आंकिक मान मान लो आपका, आंकिक मान आपका एन टू है और मात्रक कितना है बेटा? मान लो यू टू। एन टू और यू टू, तो इस केस में तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि एन इंटू यू इज इक्वल टू नियत है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं एन वन इंटू यू वन इज इक्वल टू एन टू इंटू यू। क्या लिख सकते हैं आप? हम यहां पे लिख सकते हैं कि एन वन और यू वन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके इक्वल होगा? वो एन टू इंटू यू टू के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। ठीक है, हमने मान लिया कि एन वन इंटू यू वन इज इक्वल टू एन टू इंटू यू टू। ओह बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अब यहां पे माना माना भौतिक, किसी भौतिक राशि की विभव, किसी भौतिक जो राशि है जिसको बदलना है, जिसको एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस में सीजीएस से एमकेएस में बदलना है, उस भौतिक राशि की बीमा हम मान लेते हैं। माने कैसे भौतिक राशि की बीमा जो है बेटा वो क्या है? मान लो एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी और टी की पावर कितना है बेटा? सी। अगर बीमा वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट को विजिट करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। देखो, तो हमने बीमा क्या मान लिया बेटा? एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी। तो आप यहां पे यू वन बराबर आप लिख सकते हैं, तो यू वन बराबर आप लिख सकते हैं बेटा एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी और टी वन की पावर सी, तथा यू टू जो है आप लिख सकते हैं यहां पे एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी। तो एम टू दी पावर ए, एल टू दी पावर बी, टी टू दी पावर सी। तो या इसलिए यहां पे देखो आपका इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन है एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। देखो यहां पे क्या है? एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। ठीक, देखो एन वन का वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है एन वन, हमारे पास यू वन कितना है? एम वन की पावर ए, एल वन की पावर बी, टी वन की पावर सी इज इक्वल एन टू। देखो आपका एम टू की पावर ए, एल टू की पावर बी और टी टू की पावर सी। टू टू की पावर सी। लेट से अगर आपको एन वन का वैल्यू निकालना है, एन टू दे रखा है तो आप उसको इसके डिवाइड में भेज दोगे। अगर एन टू का वैल्यू निकालना है, एन वन निकालना तो उसको इसके डिवाइड। आप इसमें से एन वन एन टू किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एन वन दे रखा है तो एन टू निकालोगे, अगर एन टू दे रखा है तो एन वन निकालोगे। ठीक है, लेट से हमें एन टू का वैल्यू निकालना है, तो एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन टू इज इक्वल टू जो एन वन, एन वन देखो ये इसके डिवाइड में एम टू और एम टू को एक साथ ले लेना, तो एम वन बाय एम टू, सॉरी एम टू और एम वन को एक साथ ले लेना, तो एम टू बाय एम वन की पावर ए हो जाएगा। तो एल टू इसके डिवाइड में जाए तो एल वन बाय एल टू की पावर कितना जाए बेटा? सी हो जाएगा। टी टू इसके डिवाइड में जाएगा तो आपका टी वन बाय टी टू की पावर, सॉरी इसकी पावर बी, इसकी पावर कितना जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि का जो वैल्यू दे रखा है उसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, लेट्स एग्जांपल, एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो एक उदाहरण है, एक डायन को न्यूटन में बदलिए, इसमें न्यूटन में बदलिए भाई।
एक जो डायन है उसको आपको न्यूटन में बदलना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए न्यूटन किसकी बीमा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, न्यूटन बीमा, सॉरी मात्रा किसका, बीमा कह रहा हूँ, न्यूटन किसका मात्रा क्या भाई, न्यूटन बल का मात्रा क्या, डायन भी बल का मात्रा, अगर न्यूटन बल का मात्रा है तो डायन भी हमारा बल का मात्रा है। आपको जस्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किस सिस्टम में चलेगा। तो डायन जो है बेटा वो सीजीएस यूनिट है, और आपका न्यूटन जो है वो एमकेएस या एसआई यूनिट, एमकेएस भी बोल सकते हैं उसको, एसआई यूनिट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करा कि ये जो यूनिट दे रखा है ये बल का यूनिट है। तो यहाँ पे भौतिक राशि क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास भौतिक राशि जो है वो है, तो बल की बीमा क्या होता है, बीमा याद होना चाहिए आपको, एम एल टी माइनस टू, ये बीमा होता है एम एल टी माइनस टू, राशि बल है, बीमा जो है एम एल टी माइनस टू होता है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बीमा है, बीमा याद नहीं है तो आप पीछे से देख देख सकते हैं, कल मैंने बहुत सारे भौतिक राशियों की बीमा लिख पाया। ठीक है, अच्छा बीमा हो गया। अब देखो डायन जो है आपका, जो डायन है बेटा ये सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन जो है ये आपका एसआई यूनिट, एसआई या एमकेएस आप यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, एसआई या एमकेएस आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पे सीजीएस में दे रखा है, सीजीएस को किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास सीजीएस यूनिट दे रखा है, और आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना किस में बेटा, एमकेएस या एसआई, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सीजीएस में आपका वैल्यू क्या दे रखा है, अगर आप देखें सीजीएस में वन डायन दे रखा है, तो आप इसको एन वन ले लो, तो ये एन वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, आपको एन टू निकालना है, एमकेएस में वैल्यू ले लो कितना, एन टू, एन टू आपको निकालना है। ठीक है, तो सीजीएस आपका वन और एमकेएस जो है आपका कितना जाएगा बेटा, टू, जो कि आपको निकालना है। अच्छा देखो इसमें सीजीएस में यूनिट्स जो मात्रक है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे दो एम वन दैट इज 1 ग्राम, क्योंकि सीजीएस में द्रव्यमान को आप किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, क्योंकि ये सेंटी, देखो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो यहाँ पे द्रव्यमान को आप ग्राम में मापेंगे। ठीक है, तो एम वन इज इक्वल टू 1 g हो जाएगा। अच्छा एल वन क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे सी है, सी सेंटीमीटर, तो इसको आप किस में मापेंगे बेटा, सेंटीमीटर। ठीक है, और एस के है आपका सेकेंड, तो टी वन टाइम जो है आप किस में मेजर करेंगे बेटा, सेकेंड में, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा एम के सिस्टम के अंदर आओ, तो यहाँ पे द्रव्यमान को आप किस में माप रहे हो, एम वन ठीक है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, मीटर किलोग्राम और सेकेंड, तो द्रव्यमान को आप किस में मेजर करो, किलोग्राम, तो ये आपका जाए 1 kg, और फिर लंबाई को आप किस में मेजर कर रहे हो, मीटर में, तो 1 मीटर, और एस दैट इज सेकेंड, टाइम को आप किस, सॉरी इसको 2 ले लेना, एम टू, ये एल टू हो जाएगा, एम टू एल टू और टी टू, और ये कितना जाएगा बेटा, 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम को आपको सेकंड में ही मेजर करना, दोनों सिस्टम सीजीएस में भी और एमकेएस में, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस मीटर मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, इतना याद रखना आपको बेटा। ठीक, ओके ना, तो फिर अब यहाँ पे बीमा के साथ आप जो है इक्वेशंस लिखेंगे बेटा, बीमा के साथ इक्वेशंस लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एन वन, बीमा क्या है बेटा, एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस टू, ये बीमा हो जाएगा फर्स्ट यूनिट में, एम वन एल वन टी वन की पावर माइनस का 2। सेकेंड यूनिट में क्या जाए, एन टू, तो ये आपका जाए एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस का, एम टू एल टू टी टू की पावर माइनस का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एन टू निकालना है, तो एन टू बराबर आप लिख सकते हैं एन वन, एन वन ये आपका एम वन बाय एम टू हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा, एम वन बाय एम टू इन टू, देखो ये एल वन बाय एल टू हो जाएगा, देखो ये एल टू इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो एल वन बाय एल टू हो जाएगा, और ये जो टी टू है ये टी वन के डिवाइड, क्योंकि इधर भेज रहे ना, इसको इसको उठा के इधर भेज रहे, तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखे टी वन बाय टी टू की पावर माइनस का वैल्यू से, तो एन टू, एन वन का वैल्यू 1 हो गया, एम वन देखो यहाँ पे एम वन क्या है, ग्राम है, एम टू क्या है, केजी है, तो 1 ग्राम बटे 1 kg, 1 ग्राम बटे 1 kg इंटू एल वन क्या है, देखो यहाँ पे एल वन सेंटीमीटर, एल टू क्या है, मीटर, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर इज इक्वल टू, देखो टी वन 1 सेकेंड, टी टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड,
वन सेकेंड डिवाइडेड बाय वन सेकेंड की पावर माइनस का ग्राम्स, क्या सॉरी कटेगा नहीं, सेकेंड से सेकेंड कटेगा ओनली, माइनस वन की पावर, सॉरी वन की पावर माइनस टू, वन की पावर आपका हो जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। देखो तो ये आपका जो एन टू इज इक्वल टू वन इंटू वन ग्राम, आपका जो 10^-3 केजी। आप केजी या ग्राम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप केजी को ग्राम में या ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10^3 kg डिवाइडेड बाय 1 kg, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 10^-2 m डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो ये आपका जाएगा देखो 10^-3 इंटू 10^-2, 10^-5, ठीक है। तो एन टू का वैल्यू कितना आ गया आप यहाँ पे देखोगे, तो एन टू इज इक्वल टू आ गया 10^-5। तो इट मीन्स 1 डायन जो है बेटा वो 10^-5 इसके बराबर है न्यूटन के बराबर, ठीक है। 1 डायन जो है वो 10^-5 न्यूटन के बराबर, ठीक हो गया। तो ये एक तरीका है जिससे हम सीजीएस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, एमकेएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। 1 जूल को, 1 जूल को अर्घ में बदलिए, 1 जूल को अर्घ में बदलिए। 1 जूल है, 1 जूल एनर्जी को आपको किस में बदलना है बेटा, अर्घ में बदलना है, ठीक। तो सबसे पहले आप यहां पे आइडेंटिफाई करो भौतिक राशि कौन सी, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से, जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। यहां पे भौतिक राशि क्या हो जाएगा बेटा, भौतिक राशि हो जाएगा कार्य या ऊर्जा, दोनों लिख सकते हैं, कार्य भी लिख सकते हैं और ऊर्जा भी लिख सकते हैं, दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों की विभा सेम। तो यहाँ पे बीमा क्या हो जाएगा भाई, बीमा हो जाएगा बेटा आपका सिंपल, बीमा क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस, क्या जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस, ओहो बहुत सुंदर। देखो अब यहाँ पे जूल सीजीएस, सॉरी एमकेएस यूनिट होता है, अर्घ जो है आपका सीजीएस, जूल जो है वो क्या है बेटा एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, और अर्घ जो है आपका यह है सीजीएस यू, ठीक है, मात्रक सीजीएस मात्रक। तो मतलब आपको यहां पे एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस सिस्टम में वैल्यू दे रखा है उसको आपको सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, देखो आपके पास यहां पे एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस या एसआई सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस सिस्टम के, ठीक है। तो एमकेएस में वैल्यू देखा कितना, 1 जूल की बात कर रहे हैं, तो एमकेएस में इसका वैल्यू ले लो 1, ठीक है ना, N1 इज इक्वल टू कितना 1, और सीजीएस में N2 आपको निकालना, सीजीएस में N2 आपको निकालना, ठीक है, क्योंकि हम एमकेएस से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सीजीएस में कन्वर्ट, ओके ठीक है। देखो अब यहाँ पे M1 मास है, M का मतलब मास, मास किस में, किलोग्राम में मेजर करेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा 1 kg। फिर L1, अब देखो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, आप ये मत सोचना सर आपने यहाँ पे M1 ग्राम में रखा था, L1 सेंटीमीटर में रखा था, बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी को भी मान सकते हैं N1 N2, बस आप ये देखो कि ऊपर आप कौन सा सिस्टम कंसिडर, यहाँ पे हमने सीजीएस सिस्टम कंसिडर किया था, यहाँ पे एमकेएस सिस्टम कंसिडर किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में यहाँ पे देखो हमने एमकेएस सिस्टम कंसिडर किया, यहाँ पे हमने सीजीएस सिस्टम कंसिडर, तो आप इसको M2 L2 भी ले सकते हो, इसको M1 L1 भी ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हो M1 या M2, ठीक है। तो L1 इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा 1 मीटर हो जाएगा ये, और T1 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सीजीएस यूनिट में क्या है बेटा, N2 आपको निकालना है, देखो M2 सीजीएस में ग्राम है, ये आपका जाओ 1 ग्राम, ठीक हो गया, और आपका यहाँ पे L2 क्या जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और T2 जो है ये 1 सेकेंड के, इसके इक्वल होगा बेटा 1 सेकेंड के। देखो अतः आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे N1 और बीमा लिख देंगे यहाँ पे M1 L1 का स्क्वायर T1 की पावर -2
इज इक्वल टू एन टू, देखो बीमा लिखेंगे हम यहाँ पे एम टू एन टू का स्क्वायर टी टू की पावर माइनस का, देखो यहाँ पे जो बीमा है इसकी एम एन स्क्वायर टी माइनस टू सेम एज इट इज लिखा, एम वन एम टू एल वन एल टू और टी वन टी टू के फॉर्म में लिखा ठीक है। ओके हमें निकालना है एन टू, तो एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जाए एन वन और एम वन बाय एम टू इन टू एल वन बाय एल टू का स्क्वायर टी वन बाय टी टू की पावर माइनस का टू, वैल्यूज रख दो आप। तो एन वन का वैल्यू कितना बेटा वन है, तो एम वन कितना है 1 kg और एम टू कितना है 1 ग्राम, इंटू एल वन कितना है 1 मीटर और एल टू कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। टी वन कितना है बेटा 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड की पावर माइनस का टू, इससे कैंसिल माइनस टू पावर है तो 1 की पावर -2 आपका 1 होता है, जिसको आप छोड़ देंगे। तो केजी को आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेना, तो ये 10 की घात 3 ग्राम होता है डिवाइडेड बाय 1 ग्राम इंटू ये 10 की घात क्या होता है 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 1 ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पे बचा 10 की घात 3 और यहाँ पे देखो 10 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 4 हो जाएगा, ये को आ जाएगा 10 की घात 7, मतलब एन टू इज इक्वल टू आपका क्या 10 की घात 7। तो आप क्या बता सकते हैं, आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं एन टू का वैल्यू 10 की घात 7 है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 जूल जो है वो 10 की घात 7 अर्घ के बराबर होता है, या 1 अर्घ जो है बेटा वो 10 की घात -7 जूल के बराबर होगा। ये कन्वर्जन हम यूज करेंगे इस तरीके से ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर सकते हैं, कुछ नहीं सिंपल है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे होमवर्क है आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 m/s² है यदि लंबाई को किलोमीटर में तथा समय को मिनट में नापे, तथा समय को मिनट में मापे तब जी का आंकिक मान बीमा लिखकर ज्ञात कीजिए, बीमा लिखकर ज्ञात कीजिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भौतिक राशि के बीम में संतुलन का परीक्षण कैसे किया जाता है, तो उस टॉपिक को आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड बाय बाय। और जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ठीक है। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।